हाजिर है हाजिर। बंदा भी बनते जी, चला दो आप लोग भी चला दो। इधर 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 चलो फोटो ना इससे जो खिंचवा दिए वीडियो में जब डालेंगे। हाँ देवेंद्र रिजाली हाजिर हो, हाजिर हैं। सभी को नमो बुधाय। जय भीम, जय भीम। साथियों, सम्मानित अधिकार में आज हमारे समाज के साथ जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए कुछ विशेषज्ञ समाज के कार्यकर्ता हैं। संजीव बोध जी हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। देवकी नंदन जी हैं हमारे साथ में, जो लगभग 12 साल से बाबा साहब का मूवमेंट दिन रात गांव गांव कर रहे हैं। ब्रजमोहन बोध जी हमारे साथ हैं। एडवोकेट शशि बालाजी हैं और हमारी भाभी जी हैं जिनका नाम गीता गौतम है। हमारी बिटिया भी है, प्रदीप बोध जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एडवोकेट जयचंद जी हैं, राजेश बोध जी हैं। साथियों, आप सभी का सम्मानित अधिकार में स्वागत है। मैं एक चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ कि ये जो अभी लखनऊ के अंदर एक घोषणा करी है मिस्टर चंद्रशेखर ने, तो इसका समाज पर क्या असर होगा, सही होगा या गलत निर्णय उनका? आप बोले सर। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है और एक दिशा जो समाज को देनी चाहिए उस पर आप एक काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक साधुवाद के बाद बताना चाहूँगा कि देखिए, हम लोगों की जो एक पार्टी है वो एकमात्र BSP होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतभेद किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जगह जगह पार्टी बनाना, जगह जगह लोगों का बिखरा होना, ये हमारे लिए नुकसानदायक है और आने वाला भविष्य भी चौपट ही होता है। ना तो इससे कोई राजनीतिक पहल बन पाएगी, ना कोई हमारा अग्रणी बन पाएगा। तो मेरा विचार यही कि हम लोगों को बसपा के साथ रहना चाहिए और अपना मजबूत संगठन है वो, उसको बनाने में बहुत टाइम लगा है। नई पार्टी को बनाने में पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। एक पार्टी बनी बनाई है और कांशीराम जी का मिशन उससे जुड़ा हुआ है, हम सब लोगों की आशाएं उससे जुड़ी हुई है, तो बसपा को हमको सपोर्ट करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। चंद्रशेखर का लेवल है माननीय बहन जी के बराबर या नहीं? नहीं सर, चंद्रशेखर जी का लेवल एक अलग है। चंद्रशेखर जी का जो लेवल है उसको बहन जी से तुलना नहीं की जा सकती। ब्रजमोहन बोध जी, आपका क्या विचार है? आप भी काफ़ी दिनों से समाज में काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा समाज के लिए, अच्छा होगा या बुरा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान अधिकार में जी, जो आपने ये हमारे चैनल खड़ा किया है समाज के लिए। देखो, राजनीति करना भी जरूरी है जी, तो हमारे जो सबसे बड़ी जो पार्टी है वो BSP है। BSP के अलावा हमारी कोई समाज में कोई पहचान भी नहीं है। ये जो हमारी पहचान है तो बहन जी है, और जैसे चंद्रशेखर जी है, तो मैं तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रशेखर जी राजनीति करे और भले ही वो निर्दलीय टिकट लाए, समाज का ये कर्तव्य बनता है। समाज का कोई भी आदमी अगर वो निर्दलीय भी टिकट लाता है तो समाज को उसको बढ़ाना चाहिए, समाज को जिताना चाहिए, भले ही पार्टी का मूल्य। उनका ये निर्णय सही है, गलत है पार्टी बनाना? नहीं, ये तो गलत है। गलत है? हाँ, ये गलत। अगर कल को दोनों आमने सामने होंगे तो आप किधर जाओगे? हम तो बहन जी के साथ मरेंगे। आप एक सामाजिक में हैं, आपका नाम गीता गौतम है, क्या रुख रहेगा आपका महिलाओं के प्रति, आप ये बताएं। बोला ना, नहीं बोला जाए। चलो प्रदीप जी, आपके तो आज गाजियाबाद के आर्यनगर चौक पर रहते हैं और बहुत सारी चाय आपकी समाज सेवक फ्री पी जाते हैं, तो ये जो निर्णय है ये सही रहेगा या गलत रहेगा चंद्रशेखर का? एक तो मैं ये आपके चैनल का सम्मान अधिकार का जो बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हम लोगों को आपने इकट्ठा किया है और चंद्रशेखर के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं हमसे। देखिए, एक हमारा बहुत बड़ा फाउंडेशन मजबूत है बहुजन समाज पार्टी,
हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, वोट देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और रही चंद्रशेखर की बात, चंद्रशेखर बहुत बढ़िया एक एक उभरता सितारे हैं, उनको राजनीति से नहीं, एक अपना जैसे कि बोलते हैं ना ये कि अपना फाउंडेशन मजबूत है उसमें करना, धार्मिक उसमें करना चाहिए, जैसे कि सामाजिक स्तर पर चलना चाहिए। आरएसएस अपना सामाजिक स्तर पर काम करती है, ऐसी बीमारियों को काम करना चाहिए हम उनके साथ, लेकिन वोट के स्तर में हम जो बहुजन समाज के साथ है। और रही समाज के संगठन की बात, वो हम आर्मी के साथ है, भीम आर्मी के साथ। तो वो तो ये कहता था जब आया था समाज के अंदर कि भाई मैं जो है कोई राजनीति पार्टी में नहीं बनाऊंगा, ना ही मैं जाऊंगा, मैं तो बाबा साहब का मूवमेंट और साहब का आश्रम को बढ़ाऊंगा। तो आज पार्टी की घोषणा क्यों हो रही है? नहीं, चंद्रशेखर भाई को हो सकता है कि इसमें राजनीति में कुछ लाभ लग रहा हो, हालांकि हमें लाभ नहीं लग रहा। चंद्रशेखर का लाभ उसे सामाजिक संगठन में लाभ ज़्यादा है, सामाजिक संगठन एक बहुत बड़ी मजबूत है, जो चाहे सामाजिक संगठन तो एक अच्छी से अच्छी पार्टी को अलट पलट कर सकता भाई। हम एक भाजपा है, एक उसका एक आरएसएस है, पार्टी को इधर से उधर पलट सकते हैं। हमारा संगठन अगर ये आर्मी वाले अगर बढ़िया मजबूत चला रहे हैं तो पार्टी से इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा वोट का जो अधिकार है बहुजन समाज पार्टी का है। बाबा साहब का मिशन चला रही है, काशीराम जी चला रहे हैं, बहन जी चला रही है, बहुत बढ़िया स्तंभ है, उससे तो ये छेड़छाड़ करना गलत है। अगर ये चंद्रशेखर जी बहुत बढ़िया एक मजबूताई से उठे हैं, लेकिन इनको जो है राजनीति में ना आगे, इसमें चलना चाहिए एक मजबूत स्थिति अपनी अगर बहुत बढ़िया करनी है तो सामाजिक काम करें, हम उनके साथ। दोनों में किसके साथ जाएंगे स्पष्ट नहीं? देखिए अगर हम राजनीति में आते हैं तो चंद्रशेखर जी हम उनके साथ नहीं, बहुजन समाज के साथ। अगर उसमें आते हैं सामाजिक संगठन में आते हैं तो हम उनके साथ रात दिन खड़े रहेंगे। हमारे साथ वकील साहब हैं, वकील साहब इधर आए। सर आपका काफ़ी अनुभव है समाज में, आप दिन रात काम कर रहे हैं, तो क्या असर होगा समाज पर इसका, ये जो पार्टी की घोषणा करी गई है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैं जी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कितने बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वोट तो कटेगी जी, अकेले जाएगा, अकेले चिंता करा चाहे घर में, घर घर की वोट ना जी, पार्टी खड़ी करके क्या करा। राजेश भौजी, आप गांव गांव बाबा साहब को मूवमेंट चलाते हैं, तो क्या अनुभव रहेगा समाज के युवाओं का? सबसे पहले तो मैं सम्मानित अधिकार का स्वागत करता हूं। क्या बोल, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन्होंने लखनऊ के अंदर ये घोषणा करी है कि मैं राजनीति पार्टी खड़ी करूंगा, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सब लोग इसमें उनका स्वागत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पैसे वालों को टिकट देती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को नहीं। ये गलत तो सही है उनका? तो पहले तो हर व्यक्ति को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी पार्टी या कुछ भी बना सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई ने ये गलत करा है अपनी एक अलग पार्टी बना करके, क्योंकि हमारी एक घोषणा करी है, पार्टी नहीं बनाई उन्होंने, घोषणा कर चुके हैं वो, कभी भी कर सकते पार्टी। तब उन्होंने घोषणा कर दी तो ये समझ लो कि वो पार्टी बना ही देंगे, लेकिन ये समाज स्तर पर बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक बहुत मजबूत सामाजिक बहुजन समाज पार्टी है, जो बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम के विचारों पर कार्य कर रही है। अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर समाज वोट देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और सामाजिक कार्य करने के लिए हम सभी भीम आर्मी के साथ हैं। आप गांव-गांव सर्वे करते हैं, युवाओं का क्या रुझान जाएगा? मेरा तो युवाओं को यह सलाह है कि वे वोट जो हैं बहुजन समाज पार्टी को करें, और सामाजिक कार्य भीम आर्मी के साथ करें, आप किसी तरह की जिससे कि हमारी बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्तर पर खड़ी हो। आप किसी तरफ जाएंगे दोनों में से? हम तो वोट के लिए तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे, और सामाजिक कार्यकर्ता के कार्य के लिए भीम आर्मी के साथ जाएंगे, जिससे कि हम अपने समाज को सुदृढ़ और सशक्ति बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वकील साहब हमारे साथ हैं, शशि बाला विद्रोही, जो बहुत अच्छा विद्रोह करती हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बहन जी आपका स्वागत है।
जय भीम। पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और सम्मान अधिकार जो हमारे बहुजन मीडिया बनाया है भाई हमारे देवेंद्र हिंसाली जी ने, उनका बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है कि जो आज एक कहीं ना कहीं जहर घोलने का समाज में काम कर रहा है। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि हर कोई आदमी जहाँ दो आदमी उससे जुड़े, जहाँ उसने दो चार मंचों पे बोला और वो तुरंत जैकेट पहनी, कोट पहना और तुरंत वो नेता तैयार और अपनी पार्टी तुरंत बना लेता है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास अपनी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आप पार्टियाँ तो बना रहे हो, आप साहब मान्यवर साहब कासीराम क्यों नहीं बना रहे हो? इस समाज को आज भी एक साहेब मान्यवर काशीराम जी की ज़रूरत है। पार्टी तो ऑलरेडी हमारी है। और ये चंद्रशेखर भाई जो हैं, जो इनका इतिहास अगर पब्लिक तक पहुंच गया तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं पब्लिक जो ना इन पे जो है वो कहते हैं ना जूत पत्रम देसी भाषा में, वो ना करना शुरू कर दे। क्योंकि जो सहारनपुर की जो घटना हुई, उस सहारनपुर की घटना से लोग अभी भी अवगत नहीं हैं। मैं बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले जो चंद्रशेखर भाई के साथ एक सोनू नाम का लड़का था जो सहारनपुर में राशुका में उनके साथ जेल में रहा 17 महीने, उसकी स्थिति ऐसी थी, उसकी परिवार की स्थिति ऐसी थी, अपनी घरवाली का इलाज नहीं करा पाया, बच्चों की फीस नहीं दे पाया, घर में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं थी। एक महीने में 5 तारीख लगती थी तो जो कमाते तारीख में देते और कर्जा उनके ऊपर चढ़ गया। चंद्रशेखर भाई एक बार भी उस अपने साथी से मिलने तक नहीं गए। क्या कारण था? लास्ट में सोनू भाई को आत्महत्या करनी पड़ी। और मैं तो ये कहना चाहूँगी उसका जिम्मेदार भी अगर कोई था, आत्महत्या नहीं एक तरीके से हत्या मानिए, क्योंकि उसकी हत्या का कारण कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई थे। और आपको मैं और बता दूँ कि हमारे जो नव युवक हैं, हमारे भाई जो हैं, वो ये नहीं जानते जो बीए करे हुए हैं, एमए करे हुए हैं, एमएड करे हुए हैं या इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बीटेक एमटेक किए हुए हैं, अगर वो जेल में चले जाते हैं तो कानूनी धारा के तौर पे रेड पेन उनकी डिग्री पे लग जाएगा। वो कहीं सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते। और मैं एक चीज़ और बताऊँ कि जहाँ भी चंद्रशेखर भाई जाते हैं हुआ खूब मचाते हैं, शोर खूब मचाते हैं, दंगे करवाते हैं और युवाओं को भड़काते हैं। बाद में क्या होता है, जैसे पुलिस आती है वो बेहोश हो जाते हैं। तो क्या आप ये बताइए, एक आदमी जो समाज के पैसे लूट कर आज अमीर बना, जिसके पास आज फॉर्च्यूनर गाड़ी भी है, तो वो ये बताए कि अब उसका ख्वाब ये है, वो चुलबुल पांडे की एक फिल्म आई थी तो वो ख्वाब देखते हैं बस उस तरह के कि मैं अब नेता बना। मैं आपको बताना चाहती हूँ भाई जी कि इस पार्टी को खड़ा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना जीवन कुर्बान किया था, अपनी माँ से बोला था, उनकी माँ ने कहा था कि बेटे शादी कर, मैं तेरे लिए लड़की देख रही हूँ। तो साहब काशीराम जी ने कहा था कि माँ मुझे सहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। उन्होंने कहा था कि मुझे सहरा नहीं, मुझे कफन चाहिए। और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी। आप समझिए क्या चंद्रशेखर भाई में इतना त्याग करने की हिम्मत है? और आप बहन जी की होड़ करने लगे हो, 21 साल की उम्र में लड़की अपने सारे ख्वाब छोड़ के, अपनी शादी का ख्वाब छोड़ के, उसकी नौकरी लग सकती थी, वो एक IAS अधिकारी बन सकती थी, DM बन सकती थी, लेकिन जब उन्होंने साहब काशीराम बहन जी को मिलते हैं तो उन्होंने अपने सारे सपने छोड़ दिए समाज के लिए। क्या भाई चंद्रशेखर अपने ये सपने छोड़ पाएंगे? और मैं ये बताऊं कि साहब काशीराम जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी साइकिल चलाई, कितने गांव गए, कितने घरों में गए, कितने गांवों में उन्होंने भूखे पिसाए भी रहे हैं, साइकिल चलाई है। और एक उदाहरण और बता दूं, साहब काशीराम जी की शर्ट फट गई थी तो साहब काशीराम जी के पास पैसे थे, दुकानदार ने बताया, उस टाइम की कीमत बता रही हूँ मैं, जिस टाइम साहब काशीराम जी गए थे शर्ट लेने के लिए तो दुकानदार ने बताया 10 रुपये। उन्होंने कहा और सस्ती दिखाओ कि 8 रुपये की, और सस्ती दिखाओ कि 6 रुपये की, भाई मेरे पास नहीं है पैसे देने के लिए, मेरा जो पैसा मेरे बहुजन समाज के लिए है।
तो दुकानदार ने कहा ऐसा है तो शमशान चले जाओ, वहाँ पर फ्री की मिलेगी। कि अच्छा, ये तो आइडिया तुमने बहुत अच्छा बताया। और साहब मान्यवर काशीराम जी ने 2 रुपए की शर्ट शमशान घाट से खरीद कर पहनी थी। क्या ये जज्बा भाई चंद्रशेखर में है? जो आज एक सोनू भाई मर जाता है सिर्फ गरीबी के कारण, और भीम आर्मी जो बनाई है, ये भीम आर्मी नहीं है, बाबा साहब का नाम गंदा ना करें, ये भीड़ आर्मी है। जो साहब काशीराम जी का विरोध करते हैं, जो बाबा साहब का विरोध करते हैं, जो बहन जी का विरोध करते हैं, जो बहुजन समाज का विरोध करते हैं, वो लोग नई पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ये बताइए, अभी कुछ लोग दिल्ली के आम आदमी पार्टी में गए हैं जो बाबा साहब के, तो उन लोगों का क्या क्या नाम है? दरअसल मैं बताऊं कि जो चंद्रशेखर भाई के जो चमचे उन्होंने पाले हुए थे ना इर्द गिर्द, बहुत सारे चमचे बॉडीगार्ड जो थे, उनमें से एक की कविता तो मैं अभी आपको सुनाई देती हूँ। उन्होंने कहा था, मिशन बाबा का जो चलाएगा, मिशन बाबा का जो चलाएगा, अमर इतिहास में नाम कराएगा, संभल के रहना खरीदार और कौम के गद्दारों से खरीदने न जाने कौन कौन आएगा। मैं उन्हीं कवि जी से कहना चाहती हूँ कि आप कभी महाराज जी, कवि जी, राष्ट्र के कवि जी, रास्ते के कवि जी, आपने बाबा साहब के बहुजन समाज के जो महानायक रहे हैं उनके साथ दलाली करने के लिए कितना पैसा लिया है? अगर आप बहुजन समाज की बात करते, महापुरुषों की बात करते, तो क्या बीजेपी में संगठन नहीं है, आरएसएस नहीं है, और युवा वाहिनी है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, पता नहीं कितने सारे संगठन हैं, लेकिन बीजेपी का विरोध कोई नहीं करता। क्या वो पार्टी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, लेकिन ये जो गद्दार आदमी है ना, जो गद्दार हैं बहुजन समाज के महानायकों के, वो पार्टी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप पार्टी बनाओ। चंद्रशेखर भाई जी, कितनी उम्र हो आपकी होगी? जितनी आपकी उम्र आप जी चुके हो ना, जितनी आप उम्र जी चुके हो और जितनी बाकी है, मैं तो ये कहना चाहूँगी आपको जो है 100 साल की जिंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन उस 100 साल की और बीती हुई जिंदगी को भी आप लगा के देखना, तो पार्टी खड़ी करना हंसी मजाक नहीं है, मजाक मत समझो। इस समाज को बांटने की कोशिश मत करो। आपका पता है हमें कि आप आरएसएस के भेजे हुए दलाल हो, पिट्ठू हो। सिर्फ अगर आपको मेहनत करनी है ना, तो इस समाज में बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो देखो। आप ये कहते हो कि बहन जी किसी को, युवाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो मैं ये बता रही हूँ कि बहन जी को ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आया अभी तक जो बहन जी की तरह काम कर सके। पढ़े लिखे बहुत हैं, लिखे पढ़े बहुत हैं, लेकिन राजनीति संभलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी में गए हैं, हाँ। जो अभी संविधान बांट रहे थे कि हम घर घर भीम आर्मी संविधान बांटेगी, हाँ। ये करेगी वो करेगी, अब क्या हुआ उन लोगों को? एडवोकेट भी हैं उसमें, बहुत सारे लोग गए हैं। देखिए ऐसा है, कुछ लोग अपने चेहरे चमकाने के लिए जो ना बहुत सारी काम करते हैं। जिस गांव के चंद्रशेखर भाई हैं, उस गांव में आज भी इतनी पिछड़ापन है, वहाँ आज भी 33 करोड़ देवी देवता कार्टूनों को पूजा जाता है। अगर भाई चंद्रशेखर जी भीम क्रांति करना चाहते हैं, ये भीम पुत्र बनना चाहते हैं, तो अपने गांव में तो सफाई करें पहले, लेके तो जाओ बाबा साहब की फोटो। और टाइम बहुत कम है, किसी दिन आपने पूछा ना, डिटेल से बताऊंगी कि सहारनपुर का जो केस हुआ था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसी और ने गंदगी नहीं गिरी थी। जो हमारे जो संत गुरु रविदास जी जो हैं, उनकी स्टैचू को गंदा करने का काम चंद्रशेखर भाई ने कहा था, किया था। और एक चीज़, बाबा साहब की जो स्टैचू पे जो काली पोती गई थी रात के अंधेरे में, इन्होंने करा था। ये करो ना दावा इस चीज़ का, क्यों खुलासा नहीं करते? ये करोड़ों का चंदा आया, उस चंदे का समाज में इन्होंने क्या काम करा? क्या आज हमारे देश, हमारे समाज में बलात्कार नहीं हो रहे? महिला बहन बेटी सुरक्षित है? भीम आर्मी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे समाज में भाइयों के वो भी हो रहे, मर्डर भी हो रहे, भीम आर्मी ने जाके उनका बदला लिया। जो हमारी बहनों के बलात्कार हुए, क्या चंद्रशेखर भाई ने जाके उन्हें सजा दी? नहीं दी, क्योंकि जहां पुलिस उन्हें दिखाई दी वो बेहोश
आईसीयू में पहुंच जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये नौटंकी बाजे है कौन। और रही क्या परिणाम निकलेगा इसका जो वर्तमान में सरकार, देखिए ऐसा है मैंने बताया, जो व्यक्ति पढ़े लिखे कम है, जिन्हें संघर्ष नहीं पता महापुरुषों का या बहन जी का संघर्ष, जिन्हें नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि वो करने क्या जा रहे हैं, तो वो लोग तो जो है इनकी बेवकूफ़ी में आ सकते हैं। जिन्हें जो है सिर्फ इनकी तरह जो है ऐसी घूमना, नौकरी नहीं करनी, बच्चे नहीं पालने, अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाना, तो वो तो इनके साथ लगेंगे, जेल जाएंगे और फिर वे बेकार होकर सोनू भाई की तरह आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन जो समझदार होंगे, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होगा, जिन्होंने साहब मान्यवर काशीराम जी को देखा होगा, महसूस किया होगा, जिन्होंने बहन जी के त्याग को देखा होगा, वो लोग बसपा को कभी भी नहीं छोड़ सकते। आप ये बताइए ये समाज पे इन्होंने घोषणा करी है, इसका क्या हिसाब बैठेगा केवल शॉर्टकट में? सही निर्णय है गलत है ये, इसका क्या डिफेक्ट होगा इसका? इसका डिफेक्ट ये होगा कुछ दिन इनकी राजनीति जरूर चलेगी, जैसे चुनाव आएगा हमारे यहाँ पे यूपी में ये कहीं नजर नहीं आएंगे। और मैं ये भी चैलेंज कर रही हूँ कि चंद्रशेखर भाई अपनी सीट निकाल के दिखा दे, पार्टी की तो बात छोड़ो, अपनी भी सीट निकाल लेना, चैलेंज कर रही हूँ आज की डेट में, लिख के रख लेना आप। चलो बहुत बहुत साधुवाद सचिवाला जी, नमो बुद्धाय, जय भीम।